अब बनेगा घर है फाइनली। और बढ़िया से नक्शा बनवाएंगे और अगर आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोगों को पसंद आए तो ही बताना, वरना हम दूसरा बनवा लेंगे फिर। अच्छा, अभी पहला घर है तो बढ़िया बनवाऊंगा, मेरा घर सपनों का घर। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी रेडी हो चुके हैं हम लोग। आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले बताओ बाबू? हाँ जग गया यार, पहले उसको सुला देते हैं। तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं नक्शा बनवाने के लिए, घर का नक्शा बनवाने, और बाबू को स्वाति सुला रही है, बाबू सो जाएगा उसके बाद जाएंगे। तो देखते हैं कैसा नक्शा बनता है। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो ये पहली बार पता लगा कि नक्शा बनवाना पड़ता है, नक्शा पास करवाना पड़ता है। मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मैं तो नया बंदा हूँ भाई, पहली बार इस झंझट में पड़ रहा हूँ। नहीं तो मैंने तो ये सोचा था भाई मिस्त्री बुलाओ, पैसे दो, घर बनना शुरू। और पहली बार पापा कह रहे कैसा बनवाओगे नक्शा? मैंने कहा जिसमें हम रहते हैं ऐसा एक फ्लैट दिखा देंगे भैया, ऐसा बना दो। कह रहे ऐसा नहीं होता है। तो नक्शा वो बनाएंगे, तो आज चलते हैं हम नक्शा बनवाने। यही हमारे इटावा में है, कोई चौकोर जी जगह का नाम है, चौकोर जी में एक वो सक्सेना करके बैठते हैं, वो भी सक्सेना है, वो बहुत ही बढ़िया नक्शे बनाते हैं। तो उनके पास चलते हैं और फिर देखते हैं कैसा नक्शा बनता है। तो सुनो जल्दी मेरी बात, नहा लिया तुमने? तो जल्दी इसको दूध पिलाओ, सुलाओ और फिर चलते हैं आज नक्शा बनवाने। ठीक है मम्मी, आज नक्शा बनवाने जा रहे हैं हम। ठीक है तो चलते हैं। ए बाबू जल्दी सो जाओ, बाबू नक्शा बनवाने जाएंगे हम। सो रहा हूँ, सुलाओ, चलो सुलाओ सुलाओ। इसी के लिए तो बनवा रहे हैं घर, नहीं तो हम तो आज तक किराए पे रह रहे हैं बचपन से। तो हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, अब बनेगा घर है फाइनली। और बढ़िया से नक्शा बनवाएंगे और अगर आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोगों को पसंद आए तो भी बताना, वरना हम दूसरा बनवा लेंगे फिर। अच्छा चलो ठीक है। और अगर कोई आपकी जानकारी में हो तो वो भी बताना। हम इटावा में बनवा रहे हैं घर, झूठ नहीं बोलना है ठीक है आज से। हेलो, हम इटावा में घर बनवा रहे हैं, हम जा रहे हैं नक्शा बनवा रहे हैं। मम्मी को ले, पापा को ले लिया, युग को ले लिया, रजत को ले लिया। सो हम जा रहे हैं नक्शा बनवा रहे हैं, लेट हो गए थोड़ा, देखते दुकान खुली है कि नहीं खुली पहले। A few moments later. पापा मम्मी खा रहे हैं खाना। आज हम वहाँ गए थे, वो नक्शे जो बनाते हैं, पापा लेके गए थे, मेरे ससुर जी मेरे को लेकर गए थे नक्शा, तो वही बनवाएंगे, वही नक्शा पास करवाएंगे। मम्मी खर्चा बताया कितना बताया? स्वाति पता कितना बताया? 50 लाख रुपए। अंडरग्राउंड में बनवाना है, अंडरग्राउंड में पूरा नीचे खाली, उसके ऊपर जैसे अभी हम रह रहे हैं ऐसा फ्लैट है ना। हाँ। बस जैसा हमारा नोएडा वाला था, जैसे ये भी अंडरग्राउंड है, ये भी अंडर नहीं, जैसा हमारा नोएडा वाला फ्लैट नहीं था है ना बाबू? जैसे तुमने कहा देगा, जैसा हमारा नोएडा वाला था ना, सेम टू सेम वैसा नक्शा मैंने लिख के दिया उनको। और अभी वो कह रहे एक बार मैं अपनी तरफ से नक्शा बना के दिखाऊंगा, तब देखना। तो अभी उनका आ जाएगा एक दो दिन में, कल तो वैसे जाना है प्लॉट, कल वैसे जाना है, वो प्लॉट देखने जाएंगे एक बार कि कितना, थोड़ा सा 30x50 में हल्का सा कम है ना, पैसे हिसाब से काम करना पड़ेगा। सही बात है, उन्होंने तो ये बोला कि हम 4-5 महीने में रेडी करके दे देंगे। वो तो दे देंगे पर हम कैसे करेंगे? ये कह रहे कि दिवाली, ये कह रहे दिवाली पे ग्रह प्रवेश। मैंने कहा बस कर लिया दिवाली पे ग्रह प्रवेश। मैंने कहा अगर एक दो दिन से स्टार्ट करवाना शुरू करें, दिवाली इस बार नवंबर में, तो नवंबर में तो रुपए कहाँ से लाओगे? नवंबर को दिवाली स्टार्टिंग में ही है, नवंबर में तो कितनी नवंबर हुआ दिवाली? 8 कुछ है। हाँ तो अभी ये इस महीने के तो अभी 10-12 दिन पड़े हैं, 10-15 दिन अगस्त के पड़े हैं, और फिर सितंबर का पहला हफ्ता, मतलब ये 2.5 महीने मान लो। तो वो तो बना के, वो तो बना के दे देंगे आपको, पर आप कैसे उनको दे पाओगे? ये भी तो है, बाबू के लिए बनवा दे, बाबू करवा दे, बाबू पैसा दे। ए बाबू कह रहे मेरे पास, और वो कह रहे नक्शा ये कह रहे मैं हक देता हूँ पैसे दे। नहीं बाबा का डायलॉग मत मारना, मेरे पापा पहले डायलॉग मारते थे,
सोने का दांत निकाल, दांत तोड़ ले और बेच आओ। तुम्हारे तो दांतों में ये मेरा। और नक्शा वो कह रहे बहुत ही अच्छा बनाएंगे। अभी वो दो दिन के लिए कर आएंगे, वो प्लॉट देखने। ठीक है, आपको 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 ले चलेंगे आपको, है कल वो प्लॉट देखने आ रहे हैं, उसके बाद वो नक्शा खुद बनाएंगे। पहले एक बार मेरा नक्शा देख लो, उसके बाद आप बता देना कैसा क्या। हाँ, जो आप बताओ फिर वैसा बना देंगे। आप जैसा बताओगे वैसा बना देंगे। तो नक्शे नक्शे के मांगे रूपए 4500 रूपए एक फ्लोर के, दो फ्लोर के 7000। A few moments later. तो आज मैं जा रहा हूँ अपने प्लॉट पे, वहाँ पे इंजीनियर वगैरह आए हुए हैं, क्या कहते हैं, चेक करने की प्लॉट आपका कैसा है, कितना बड़ा है, कैसे आपको कितना ऊपर उठाना है। तो वहाँ पे आए हुए हैं, तो चलते हैं एक बार अपने प्लॉट पे। इटावा, तो वहाँ पे खड़े हुए हैं वो। मैंने कहा यार सुबह सुबह फोन आ गया, कह रहे हैं कि भैया हमें आपके प्लॉट में विजिट करनी है। मैंने कहा भैया ठीक है, मैं तो सो रहा हूँ, जब आप घर से निकलो फोन कर देना, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। पर वो सीधा प्लॉट में पहुँच गए और कह रहे आ जाओ यार, तो मेरे को एकदम से आना पड़ा। ऐसा कौन करता है, जब घर से निकले थे तभी फोन कर देते। तो भैया मिल गए थे, थैंक यू भैया। आपकी शादी टावी से हुई ना? हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, अपने ससुराल ही जा रहा हूँ। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। शादी की भी देखी थी। अच्छा चलो बढ़िया सर। ये भाई जा रहा है अभी मेरे साथ फोटो खिंचवाई, कह रहा भैया मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने कहा अरे यार तुम भी इंसान हम भी इंसान। तो भैया आ गए हैं मेजरमेंट लेने, पहले नाप होगा उसके बाद बनेगा नक्शा। तो ये इंची टेप से नाप रहे हैं, यहाँ से लेकर वो वहाँ तक 50। दो लेटर बाथरूम लिखा रखा आपने, ठीक है, और गाड़ी पार्किंग की जगह, हाँ है ना, ठीक है, बाल बाकी तो ठीक है। तो फाइनली भैया ने नक्शा ले लिया है। बढ़िया ना भैया प्लॉट, प्लॉट अच्छा है ना, चल हाँ चलो तो चलते हैं अब अपने घर। नक्शा और ये नक्शा कब तक बन जाएगा? कम से कम एक हफ्ते का समय लगेगा सर। एक हफ्ता? तो अभी एक हफ्ता लगेगा अब नक्शा बनने में, देखते हैं फिर क्या होता है। अब तो हो गया भाई काम पक्का। तो गाइस ये है इटावा, यहाँ पे मेरा प्लॉट है, यहाँ पे बनवाना शुरू कर रहे हैं, यहीं पे रहेंगे जंगल से में। अपना घर तो किसका डर। तो फाइनली गाइस बड़ा अच्छा लग रहा है, नक्शे वाले आ गए हैं, नक्शा लेके गए हैं, मेजरमेंट लेके गए हैं, और देखो एक हफ्ते में नक्शा बनता है कैसा बनता है, फिर आप लोगों को नक्शा शेयर करूँगा मैं कि देखो भैया ऐसा नक्शा है। नॉर्मल घर बनवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, अपना रहने के लिए, ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं कि भैया स्विमिंग पूल बनवा लो, सोचा तो था लेकिन अभी इतना बजट नहीं है, अभी पहला घर है तो बढ़िया बनवाऊंगा और उतना ही बनवाऊंगा जितना रह सके, हवड़ तवड़ नहीं, ज़्यादा नहीं। तो मेजरमेंट लेके एक हफ्ते में नक्शा आएगा जब आपको दिखाऊंगा। मेरा घर, सपनों का घर।